देखिए इस तरीके से चिप्स बना लेंगे, ये बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और अच्छे भी लगते हैं देखने में। ये चेक कर लेंगे चिप्स के ज्यादा गले तो नहीं है। अच्छी तरह से आपको पानी को निकालना है। ये देखिए इस तरीके से बूंदे टपक रही है, वो अच्छी तरह से सूख जाए, निकल जाए एक्स्ट्रा पानी। मैंने चिप्स को तैयार कर लिया है इस तरीके से, तीनों में व्हाइट है, ग्रीन है, ऑरेंज है। चाट मसाला बहुत ही मजे का बन के तैयार होता है, तो एक बार आप जरूर ट्राई करिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। डिश आउट कर लिए हैं चिप्स चाट मसाले के साथ में, और ये बहुत ही ज्यादा मजे के बन के तैयार होते हैं, तो एक बार आप जरूर ट्राई करिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैंने चाय से एक नब्बे की रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं घर पर बनाने जा रही हूँ आलू के चिप्स। ये रोजे शुरू होने वाले हैं, तो रोज़ों में अफ्तारी के टाइम पे बहुत अच्छे लगते हैं ये चिप्स, क्योंकि बच्चे साथ में अफ्तार करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है ये अफ्तार में, और बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं, ये देखिए इस तरीके से। मेरे घर में बच्चे हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ, कलर यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन फूड कलर है और ये ऑरेंज फूड कलर है। तो ये मैं आप इसमें शेयर करूँगी चिप्स में। तो आइए बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले आलू को छील लेंगे। देखिए आलू मैंने सब छील लिए हैं इस तरीके से। अब चिप्स बनाने शुरू करेंगे। इस तरीके से चिप्स की मशीन ले लेंगे, ये बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है और इससे काफ़ी जल्दी बन जाते हैं। तो आइए बनाने शुरू करते हैं। पहले हम इसकी सेटिंग करेंगे कि कितने हमें चिप्स को मोटे और पतले रखने हैं। देखिए कितना ही परफेक्टली बन के तैयार हुआ है चिप्स, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा। अगर आप ज़्यादा पतले कर देंगे तो सूखने के बाद जो है पापड़ बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे। तो इस तरीके से बस इतना ही आपको मोटा शेप रखना है, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं, बस इस तरीके से आपको रखना है। और एक बर्तन में मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी ले लिया है और हम चिप्स को जो है कट करके पानी में ऐड कर लेंगे, जिससे कि कालापन नहीं आए। देखिए इस तरीके से मैंने सादा चिप्स बना लिए हैं थोड़े से। अब इसे थोड़ा सा खोलकर और ब्रेड चेंज करेंगे और बनाएंगे ज़िगज़ैग वाले। देखिए इस तरीके से चिप्स बना लेंगे, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और अच्छे भी लगते हैं देखने में। ये देखिए इस तरीके से मैंने चिप्स को अच्छी तरह से कट कर लिए हैं, इस तरीके से बहुत अच्छा शेप ले लिया है। अब नॉर्मल पानी से तकरीबन 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह से धोएंगे आलू को, जिससे कि जो भी इसका कालापन है, देखिए पानी का कितना गंदा सा हो रहा है ये आलू में। अच्छी तरह से आलू को वॉश कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 दफ़ा। एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी ले लिया है, अच्छे से बॉईल आने तक आपको गर्म करना है, क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे, क्योंकि अच्छी तरह से डिप हो जाए इसमें चिप्स, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही पानी लेंगे। आप चाहें तो एक थोड़ा बड़ा सा बड़ा भगोना भी ले सकते हैं। तो तकरीबन इसमें 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे, नमक से चिप्स का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं अभी फ़िलहाल मैं वाइट चिप्स बना रही हूँ, नॉर्मल चिप्स जैसे बनते हैं तरीके से। तो मैंने पानी में बहुत अच्छा उबाल ले लिया है, अब इसमें ऐड कर लेंगे चिप्स ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से आपको चिप्स को डिप करके रखना है, उससे ही ज़्यादा आपके सॉफ्ट हो जाएंगे चिप्स, ऊपर बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए चिप्स, जो पानी के ऊपर नहीं आने चाहिए, नीचे ही तक रहना चाहिए। इस तरीके से देखिए अच्छी तरह से डिप हो गए हैं चिप्स। तो तकरीबन 50% हमें बॉईल कर लेना है आलू, क्योंकि आलू जो बॉईल करेंगे उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है चिप्स का। तो इसलिए 50% हमें बॉईल करना है आलू और 50% कच्चे रखेंगे आलू को। देखिए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं बॉईल आते हुए, तो एक बार इस तरीके से हमें ऊपर नीचे चिप्स को कर लेंगे, क्योंकि एक बराबर बॉईल हो रहे हैं आलू, ये नहीं है कि कोई ज़्यादा हो जाए या ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। आइए चेक कर लेंगे चिप्स के ज़्यादा गले तो नहीं है। ये देखिए इस तरीके से हल्का सा सॉफ्ट हो चुके हैं चिप्स, ज़्यादा टाइट भी नहीं है और ना ज़्यादा, ये देखिए इस तरीके से आपको चेक करना है कि हल्का सा टाइटपन रहे आलू में। तो ये बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं आलू, तो इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से आपको पानी को निकाल लेना है एक छन्नी के बर्तन में, एक्स्ट्रा पानी आपको। ये देखिए इस तरीके से कितने ज़्यादा वाइट बने हैं चिप्स, बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप घर में चिप्स बनाएंगे तो, ये नहीं है कि बच्चों के लिए बाहर के चिप्स के पैकेट पता नहीं कैसे किस तरीके से बनते हैं वो। इस तरीके से मैंने चिप्स को एक बर्तन में निकाल लिया है, अब इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, वही पानी लेंगे, पानी को आपको चेंज नहीं करना है। थोड़ा मैंने आधा चम्मच लिया है रेड फूड कलर,
चिप्स ऐड करते हैं इसमें। हाई फ्लेम में रखना है आपको गैस का। थोड़ा आपको ज़्यादा कलर लग रहा होगा बट ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कलर जो है चिप्स का चिप्स के ऊपर भी आएगा तो इसलिए ज़्यादा नहीं लगेगा। देखिए अभी थोड़ा सा और डार्क होंगे चिप्स। आपको कवर नहीं करना है, खोलकर ही चिप्स पकाएंगे वरना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे चिप्स जो हैं, और ज़्यादा सॉफ्ट हो गए तो बहुत ज़्यादा टूटने लगेंगे और मज़ा भी नहीं आएगा खाने में। तो इसलिए बस इतना ही आपको रखना है कि हल्के से डिप हो जाएं चिप्स। तो 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर चिप्स को रखते हैं। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं बॉईल आते हुए, तो ये भी बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं आलू। गैस को ऑफ कर देंगे और उसी प्लेट में आपको अच्छी तरह से पानी को निकाल कर उसी बर्तन में ही आप जिस बर्तन में आपने पहले चिप्स ऐड करे थे उसी में ही ले लेंगे चिप्स को भी। अच्छी तरह से आपको पानी को निकालना है। ये देखिए इस तरीके से बूंदें टपक रही हैं, वो अच्छी तरह से सूख जाए, निकल जाए एक्स्ट्रा पानी। अब आइए ग्रीन कलर के चिप्स बनाएंगे। तो जो ऑरेंज कलर का पानी था वो मैंने हटा दिया है, सादा नॉर्मल पानी ले लिया है। इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे 1/2 चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जो कि लम्स नहीं रहे कलर के। चिप्स इसमें ऐड करेंगे कलर में। हाई फ्लेम ही रखना है आपको गैस का। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे चिप्स और पानी को। 2 मिनट के लिए फिर से रखेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। बस 2 मिनट से ज़्यादा नहीं आपको पकाना। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं बॉईल आते हुए, तो बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं आलू। अब उसी बर्तन में निकाल लेंगे आलू को भी। जो फूड कलर ऐड कराया मैंने ऑरेंज है ग्रीन है, तो इससे कोई टेस्ट कलर चेंज नहीं होगा, बस ये थोड़ा सा बच्चों को अच्छा लगेगा देखने। बन के एकदम तैयार हो चुके हैं। अब धूप में ऊपर छत पर धूप में फैला लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरीके से मैंने चिप्स को पहले अच्छी तरह से कट करके वॉश करके और बॉइल करके मैंने चिप्स को तैयार कर लिया है। इस तरीके से तीनों में वाइट है ग्रीन है ऑरेंज है। अब ऊपर छत पर जाएंगे और उसको एक एक करके सुखा लेंगे। धूप में मैंने सुखाने के लिए रख दिए हैं पापड़। इस तरीके से आपको सुखाना है कि एक के ऊपर एक नहीं रखना है वरना ये चिपक के ख़राब हो जाएंगे। इस तरीके से दूरी पर ही आपको रखना है और 3 से 4 घंटों के बाद में आपको इस तरीके से ऊपर नीचे तक पलटते रहना है। इस तरीके से आपको चिप्स को ऊपर नीचे कर लेना है और काफ़ी अच्छी तरह से सुखाना है। कम से कम इसमें 2 से 3 दिन लगेंगे सूखने में पापड़ को, और अच्छी तरह से सुखाना है जिससे कि पापड़ अच्छी तरह से सूख जाए, गीलापन ना रहे। अगर गीलापन ज़रा भी अगर पापड़ों में रह गया तो ख़राब बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो अच्छी तरह से हम 2 से 3 दिन के लिए धूप लगाएंगे। 2 से 3 दिन के बाद में मैं आपको चिप्स दिखाऊंगी कि किस तरीके से अच्छी तरह से सुखाना है चिप्स को। देखिए मैंने इसमें 2 दिन की धूप लगा ली है और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी एंड क्रंची बन के तैयार हो गए हैं, और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ आपको धूप की ज़रूरत पड़ती है। तो 2 दिन की मैंने धूप लगा ली है इसमें, और जितनी अच्छी धूप लगेगी तो उतनी ज़्यादा क्रंची होगी और चलेंगे भी ज़्यादा। आप काफ़ी दिन तक उसको स्टोर करके रख सकते हैं, तकरीबन 3 से 4 महीने भी आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो अब आइए मैं इसको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ज़्यादा क्रंची है, और अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट के जैसा ही टेस्ट आएगा इसको। बहुत ही मज़े की और हेल्दी तरीके से बनी है, कितने ज़्यादा क्रंची है। और ये देखिए इस तरीके से, और ये बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो इस तरीके से ही आप घर पे बनाइए। तो अब आइए मैं इसको फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा ऑयल ज़्यादा लेके मीडियम टू हाई फ्लेम पर बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब कर दिया मैंने इसकी लो फ्लेम। चिप्स को आप लो फ्लेम पर ही आप ऐड करिए वरना बहुत जल्दी जल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको फ्राई करने हैं, और ज़्यादा एकदम भर के नहीं डालेंगे वरना बहुत ज़्यादा जल जाएंगे। और आपको बस इस तरीके से थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे, और ये देखिए चिप्स फ्राई हो गए, बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए। और एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकाल लेंगे। ये देखिए कुछ ही सेकंड में ये बहुत जल्दी फ्राई होके तैयार हो रहे हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जितनी अच्छी तरह से आप धूप में सुखाएंगे उतनी ही अच्छी तरीके से चिप्स फ्राई होंगे। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए आप, तो धूप में आपको बहुत अच्छी तरह से चिप्स को सुखा लेना है। चिप्स फ्राई हो गए हैं, अब आइए कर लेंगे इसको चाट मसाले के साथ में तैयार। चिप्स के साथ में मैं ऐड करूँगी उसमें मसाला। तो मसाले के लिए मैंने लिए 1/4 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच नमक, 1/2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच लिया है सफ़ेद नमक, नॉर्मल नमक है ये। तो चिप्स के साथ में मैंने ये चटपटा सा मसालेदार एकदम तैयार कर रही हूँ। तो इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके
और हम अप्लाई करेंगे चिप्स के ऊपर और उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो एक बार आप जरूर ट्राई करिए इस तरीके से चाट मसाला तैयार करने के लिए। बहुत अच्छी तरह से बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है इसमें मसाले में। तो एक बार आप जरूर बनाइए इस तरीके से चाट मसाला, बहुत मजे का बनाए लगता है। देखिए फ्राई हो चुके हैं चिप्स, बहुत ही ज्यादा क्रंची और बहुत ही ज्यादा हेल्दी। देखिए कितना ज्यादा क्रंचीनेस है। और इसके साथ मैंने चाट मसाला भी तैयार कर लिया है, वो ऐड कर लेते हैं। और ये चाट मसाला बहुत ही मजे का बनके तैयार होता है, तो एक बार आप जरूर ट्राई करिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इतना ही टेस्टी, बहुत मजे का बनके तैयार होता है, तो एक बार आप जरूर ट्राई करिए इस तरीके से बनाने का। डिश आउट कर लिए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज नपिया किचन रेसिपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में आप जरूर बताइए कि आपको ये मेरी चिप्स की रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।